अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अभी जो टाइम है करीबन 7:30 AM हो रहा है, जबकि हल्की सी जो है बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही सुहाना हुआ था और ठंडी ठंडी से जो है हवाएं भी हो रही थी। और हम सभी के घर में सबसे पहले चाय या कॉफ़ी ही बनती होगी और उसके बाद जो है नाश्ता बनाया जाता होगा। अब मेरे यहाँ तो सबसे पहले मैं टी या कॉफ़ी लेती हूँ। पहले नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं लेती हूँ। इस तरह हल्की बारिश हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, तो मैं तो कॉफ़ी या टी ज़रूर लेती हूँ। और वैसे भी कौन लेना नहीं पसंद करता होगा। और जिस दिन ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा गर्मी हो, तो उस दिन तो मैं कॉफ़ी या टी बिल्कुल भी लेना नहीं पसंद करती। चाय पीने के बाद मैंने बनाया था नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया था रोटी और सब्ज़ी। सब्ज़ी नहीं, मैंने बनाया था ये उड़द दाल की सूखी दाल मैंने बनाई थी। किधर जा रहे? कि क्या हो गया आपको? आना, टेल मी, क्या हो गया? नाश्ते के बाद मैं आई थी अम्मी के घर अना और आयज़ा को लेकर के। आयज़ा अभी सोए हुए हैं। मैं ये सोच रही थी कि आयज़ा के जल्दी से जल्दी जो है मैं पियर्सिंग करवा लूँ। अना के वक्त पे भी जो थे मैंने अना के पियर्सिंग जल्दी करवा दिए थे, जब वो 40 डेज़ की थी सिर्फ। इस बार ही आयज़ा के लिए लेट हो चुका है। थोड़े से बड़े होने के बाद भी जो है पियर्सिंग करवा सकती थी मैं, लेकिन मेरी अम्मी जो है इसके लिए मनाही करती है। मेरी अम्मी यही कहते हैं जब तक बेबी छोटा रहेगा ना, तब भी पियर्सिंग करवा देना चाहिए। हाँ, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जब बड़े होने के बाद जब पियर्सिंग करवाते हैं तो तकलीफ़ और भी बढ़ती है। जब बेबी छोटा रहता है ना, तो उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उसको उतना सेंस नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी अम्मी को लेने के लिए, वही पियर्सिंग करवाने के लिए आयज़ा के। और इनको जो है मुझे साथ लेकर के जाना है। उतनी हिम्मत मुझ में है नहीं, और अक्सर जो है माँ को बच्चों की तकलीफ देखा नहीं जा सकती। उस दिन क्या हुआ था, मेरे अम्मी को बहुत चक्कर आने लग गए थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि नाश्ते के बाद उन्होंने मेडिसिन लिया था या नहीं। फिर पता चला कि उन्होंने लिया नहीं, उनके दिमाग से निकल गया था। और बस वो जल्दी जल्दी करके जो है मेडिसिन निकाल रहे थे, और फिर उन्होंने मेडिसिन लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ आयशा की पियर्सिंग करवाने के लिए। ये एक रिटायर्ड नर्स है, सभी लोग इन्हीं के पास आते हैं पियर्सिंग करवाने के लिए। अना के टाइम पे भी मैं यहीं पे आई थी इन्हीं के पास पियर्सिंग करवाने के लिए, जब अना 40 डेज़ की थी। माशाल्लाह से 3 दिनों में जो ज़ख्म था वो सूख चुका था। देसी घी या कोकोनट ऑयल का यूज़ करने के लिए कहा है। ईयर्स में एवरी 3 आवर्स के बाद डालने के लिए भी बोला है। शावर दे सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखने के लिए बोला है। जब पियर्सिंग करवा रहे थे ना, तो आयज़ा बहुत ज़ोरों से रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। अभी माशाल्लाह से नॉर्मल हो चुके हैं, देखते हैं घर जाते हैं। और आज का जो डे है इसके बाद का कैसे जाता है, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। हेल्दी एंड सेफ रहिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।